गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को चैप्टर 7 का करवा रही हूँ, पेज नंबर 68। उसमें आज डिवाइड करवा रही हूँ। इसके पहले प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई तीनों करवा चुकी हूँ। आज डिवाइड वाला है। 4 by 6 डिवाइड 2। अब 4 इसको कैसे करेंगे? सॉल्व 4 by 6 फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई 2 by 1 by 2 इज इक्वल टू, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 by 6 to 2a। अब इसको काटते हैं, 4 1 4 4 2 8 4 3 2a 1 by 3 होगा। इसका क्या होगा? 1 by 3 आंसर। ऊपर इस सिर्फ 2 है तो ऊपर में 2 लिखेंगे और ऊपर में 1 लिखेंगे, बाय नीचे 2 हो जाएगा। 4 1 4 6 2 2a तो ये आंसर आ गया। सेकेंड नंबर 6 divide 1 by 2। अब इसको कैसे करेंगे? 6 को ऊपर में लिखेंगे, 6 ये पलट देंगे, 6 मल्टीप्लाई ये 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, पलट देंगे तो 2 by 1 6 2 क्या हो जाएगा? 2a 12। और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यही आंसर है 12 आंसर। अब थर्ड वाला बता रही हूँ आप लोगों को, थर्ड और फोर्थ वाला। थर्ड वाला क्या है? 8 divide 1 by 3। अब 8 इसके जैसे ही होगा, ये पलट जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, 8 multiplied 3 by 1 इज इक्वल टू 8 3 3 मैं मिस्टेक कर रही हूँ, 3 by 4 होगा ना इसका क्वेश्चन में है, तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ऊपर में 4 होगा, नीचे 3 होगा। 8 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32। और नीचे क्या है? 3। अब 32 3 से डिवाइड होता है कि नहीं देखते हैं। 32 नहीं होगा, यही आंसर होगा 32 by 3, ये आप लोगों का आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 3 by 4 divide 6। तो 3 by सॉल्व करेंगे, जब 3 by 4 अब मल्टीप्लाई 1 by 6 लिखेंगे। जब आप लोगों का सामने एक ही नंबर रहेगा तब ये नंबर पलट जाएगा, ये 3 by 4 क्या हो जाएगा? 4 by 3। लेकिन जब ये नंबर राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होने से इस तरीके से करना है पलटना, और राइट साइड में होगा तो ऊपर में 1 लिखेंगे, 6 राइट साइड में है तो ऊपर में 1 लिखेंगे, 1 by 6। 3 1 3 होगा, 6 4 6 4 कितना आएगा? 24। अब ये डिवाइड होगा कि नहीं देखते हैं, 3 8 24 3 1
एट है 54, तो 1/8 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये 4 तक मैं बता दी हूँ आपको, 5 और 6 का होमवर्क है, इसी तरीके से करना है। जब राइट साइड में रहेगा तो राइट साइड वाला ऊपर में 1, नीचे जो नंबर है वो उतर जाएगा। लेफ्ट साइड में रहेगा तो क्या करेंगे आप, इसको पलट दोगे, जो भी नंबर रहेगा वो पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 3/4 है तो 4/3 करना है। समझ में आया? इसको आप लोग नोट करेंगे, साथ में होमवर्क 5 और 6 वाला करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में